प्रधानमंत्री पिछड़ा, भारत का संवैधानिक पिछड़ा वर्ग का आज जिस तरह से पिछड़ों के हकों को मारने का काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग साथ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना या जाति सर्वेक्षण और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी क्या 75% आरक्षण देने पर उत्तर प्रदेश की सरकार विचार करेगी। यह सदन साक्षी है कि भारत के संविधान के द्वारा जिनको बहुमत मिला था और बहुमत की सरकार थी, कैसे उसके ऊपर आप लोगों ने कैप्चर किया था और क्या क्या इस सदन के भीतर किया, मैं उसका साक्षी हूं। समय बैठ करके मैं देख रहा था। वो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो भेज दीजिए माननीय के पास, अध्यक्ष जी के पास भेज दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो किसी भी कागज के भीतर जिस तरीके का महिलाओं का अपमान उन्होंने सदन के भीतर किया। मान्यवर, हम आपके आभारी हैं। या सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर हमें प्रश्न पूछने का आपने अवसर दिया। मान्यवर, भारत की सच्चाई है जाति व्यवस्था। हर जातियों के कारण सम्मान भी मिलता है और जातियों के कारण अपमान भी मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें व्यवस्था दी थी, आज उसके आधार पर अगर हम देखा जाए तो समाज के बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली, और इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा है और देश की बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियां आज जाति आधारित जनगणना की बात कह रही हैं। मैंने पिछले भी सत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए, लेकिन उस दौर में शासन की तरफ से आदरणीय शाही जी ने जवाब दिया था कि यह भारत सरकार का काम है। और हमने जब बिहार की बात कहा था तो उन्होंने कहा हम बिहार से उदाहरण नहीं ले सकते, लेकिन मुझे ये बताते हुए आपके बीच अपार खुशी है कि बिहार सरकार ने हिम्मत दिखाई और जाति आधार पर जनगणना भी कराया, सर्वेक्षण भी कराया, और उसको लेकर के जब हाई कोर्ट में मान्यवर चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार में जाति जनगणना को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को उसके जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि राज को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी ना करे। पीठ ने कहा कि हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं, हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते हैं, यह गलत होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन है और हाई कोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि चूंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए यह तर्क की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है या सही नहीं हो सकता है। मान्यवर, जब देश की सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रही है और भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसा लगता है कि पूरे पिछड़ा वर्ग का इनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। मंडल आयोग की सिफारिशों का सबसे ज्यादा विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज हमारे नेता स्वर्गीय मानी मुलायम सिंह यादव नहीं है, आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, पासवान जी हमारे बीच नहीं है, शरद जी हमारे बीच नहीं है। कितनी लड़ाइयों के बाद हमें मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई, क्या आप बता सकते हैं? या डॉक्टर संजय निषाद जी बैठे हैं, आशीष पटेल जी बैठे हैं, प्रश्न नहीं है, भाषण नहीं, प्रश्न भाषण में नहीं देता, सच्चाई है। आप भाषण दे रहे हैं, प्रश्न की सच्चाई है देश की, नहीं वो सच्चाई बहुत सारी चीजें हैं, सात सच्चाई जो प्रश्न है उसके ऊपर पूछिए। 45 विश्वविद्यालयों में कितने ओबीसी वर्ग के कुलपति हैं, और अभी जो आप जाति जनगणना जो आपने प्रश्न लगाया माननीय संक्रांत, मानवर जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, आप उसी के ऊपर जाति गणना नहीं होगी तब तक आप, यहाँ बताया जाता कि 403 विधायक बैठेंगे, तब मानवर आप 403 विधायकों को बैठने का इंतजाम करते हैं। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय आप नहीं दे सकते, सरकार उसका उत्तर। और आप ही से हमने सीखा है, क्या आपने कहा कि आदिवासी हमने राष्ट्रपति बनाया, आप कहते हैं कि आपका प्रधानमंत्री पिछड़ा है,
भारत का संवैधानिक है पिछड़ावर का, आज जिस तरह से पिछड़ों के हकों को मारने का आप काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग साथ में बैठे हैं, प्रश्न करिए, इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। राम जी प्रश्न, और अगर आप लोग प्रश्न है तो करिए, कल जैसा भाषण। मानवर आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, उनसे, मेरे थ्रू उनसे, मानवर आपके माध्यम से, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना या जाति सर्वेक्षण और आरक्षण का दायरा बढ़ाने से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भारी, क्या 75% आरक्षण देने पर उत्तर प्रदेश की सरकार विचार करेगी? हमें आपसे स्पष्ट उत्तर की उम्मीद है। लंबा भाषण हो गया, आप उसको जो उसके ऊपर प्लीज आप उसके ऊपर आपने ही वहां से लालजी वर्मा जी की ओर इशारा करके, लोग पीछे से बताते हैं या आगे से बैठ के बता देते हैं? तो लालजी वर्मा जी जानते हैं कि बिहार में जाति जनगणना नहीं हुई है और इसीलिए उन्होंने आगे से ये बात बताई कि आप जाति जनगणना की बात न करो। और सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना नहीं गई है, आपने पता नहीं कहां से नोट करके लाए और ला करके आपने अपने विचार व्यक्त करिए सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। भारत में भारतीय संविधान लागू है, यद्यपि आपका संविधान में कभी भरोसा नहीं रहा है, यह सदन साक्षी है कि भारत के संविधान के द्वारा जिनको बहुमत मिला था और बहुमत की सरकार थी, कैसे उसके ऊपर आप लोगों ने कैप्चर किया था और क्या क्या इस सदन के भीतर किया, मैं उसका साक्षी हूं, समय बैठ करके मैं देख रहा था। और इसलिए कितनी आस्था है आपकी भारत के संविधान में, मैं जानता हूं। मुझे ये लगता है कि आपका न तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के ऊपर भरोसा है, न आपको भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर भरोसा है, इन दोनों ने कभी जात की बात नहीं की है। हम लोग जब विद्यार्थी थे, और बता अब सुन लीजिए, सुनिए, जब हम विद्यार्थी थे तो उस समय आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जीवित थे और हम लोगों का समाजवादी उद्यम सभा के साथ भी उठना बैठना होता था। बराबर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि जात को तोड़ो समाज को जोड़ो, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हम देश के भीतर समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं और भारतीय संविधान के भीतर उसी की व्यवस्था की गई है और इसलिए कृपा करके, वो तो आपने पता नहीं कहा था, वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जजमेंट है तो भेज दीजिए माननीय के पास, अध्यक्ष जी के पास भेज दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो किसी भी कागज के भीतर कुछ भी आप लिख करके आए और वो संज्ञान सदन में संज्ञान लिया जाए, मैं समझता हूं कि ये नियमों के विपरीत है और आपके द्वारा वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं दिखाया गया है। जहां तक सवाल है जनगणना का, जनगणना अनुच्छेद 246 के भीतर, भारतीय संविधान के भीतर 246 में प्राविधान है कि किस प्रकार से कौन कानून बनाएगा और उसके भीतर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनी हुई है। जनगणना जो अनुसूचित 7 है उसके 69 में जनगणना का अधिकार भारत सरकार, भारत के संसद को है और भारत के संसद को अतिक्रमण करके राज्य जनगणना नहीं करा सकता और उसके लिए भारत की संसद ने कानून भी बना रखा है। 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया और उसके भीतर प्राविधान किया गया है कि किस प्रकार से जनगणना कराई जाएगी। और जो काम बिहार में हमारे वहां के मुख्यमंत्री महोदय की चर्चा आपने किया, जिस तरीके का महिलाओं का अपमान उन्होंने सदन के भीतर किया, ये सारी दुनिया जाएगी, दुनिया के मंत्री जी हो गया, उत्तर आ गया आपका।